तो दोस्तों फाइनली आज किंग खान के बर्थडे पर पठान का टीजर आ ही गया है। और अगर मुझे इस टीजर का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो तो मैं कहूंगा कि भाई बॉक्स ऑफिस पर आग लगने वाली है 2023 में। हाँ दोस्तों टीजर एकदम बवाल निकला। जितनी हाइप पठान मूवी की बन रखी है ना, मुझे लगता है कि मूवी भी उतनी तगड़ी होने वाली है। बट मुझे कहीं ना कहीं डर भी है कि स्टोरी लाइन के मामले में ये लोग गुड़गोबर ना कर दे। पिछली SRK की फिल्मों में भले ही कॉन्सेप्ट नए हो बट स्टोरी लाइन के चक्कर में उनकी एक भी फिल्म नहीं चली। 4 साल बाद SRK स्क्रीन पर वापस लौट रहे हैं तो लगता है कि इस बार SRK ने हर चीज सोच समझ कर चूज की होगी। टीजर को देखकर टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की भी याद आ गई मुझे तो। टीजर को देखकर हम इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी का भी अंदाजा लगा सकते हैं बट वो आप खुद के मन में ही लगाओ। मैं स्पॉइलर देकर मजा खराब नहीं करना चाहता किसी का भी। बस ये लोग बॉलीवुड से ही कॉपी ना करें, जैसे टाइगर और टाइगर जिंदा है वो भी इसी टाइप की फिल्में हैं। तो ओवरऑल टीजर बहुत बढ़िया है, एक्शन से भरा हुआ है। देखो मुझे तो उम्मीद है कि ये मूवी आग लगाने वाली है बॉक्स ऑफिस पर अब होगा क्या ये तो उसकी रिलीज के बाद ही पता लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू पठान के टीजर का। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।